यूट्यूब चैनल इल्मी इन्फो पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खबर कि हुकूमत ने ई पेंशन का निज़ाम शुरू कर दिया है। ई पेंशन पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अब उसे पूरे सूबे में राइज करने का फैसला किया गया है। खबर की मुकम्मल तफसील जानिएगा आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी इन्फो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे। तो ये चलते हैं खबर की तफसील की जानिब। रिटायर होने वाले मुलाजमीन की सुनी गई, घर बैठे पेंशन की अदायगी शुरू हो गई। अकाउंटेंट जनरल पंजाब का ई पेंशन पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। ई पेंशन पायलट प्रोजेक्ट का दायरा कार पूरे पंजाब तक वसी करने का फैसला। आगाज स्कूल एजुकेशन से होगा। 4 लाख टीचर्स का डाटा तैयार। मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के लिए अब दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। पेंशन दस्तावेजात सिस्टम के ज़रिए ऑनलाइन जमा होंगी। रिटायरमेंट पर तनख्वाह बंद होते ही पेंशन शुरू हो जाएगी। अकाउंटेंट जनरल पंजाब सैयद अम्मार नकवी की क़यादत में खिदमात का नया मयार कायम हो गया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मकबूल अहमद गोंदल ने ई पेंशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन को ई पेंशन की सहूलत फराहम की जाएगी। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का कहना था कि खिदमात की फराहमी का आला मयार कायम करना हमारी जिम्मेदारी है, और ये बयान था CGA मकबूल अहमद गोंदल का। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की मेहनत के समरात पूरे पाकिस्तान तक पहुँचेंगे। तकरीब से चेयरमैन PTIB फैसल यूसुफ, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन फरिया परवेज़, DPI स्कूल राणा अब्दुल कयूम ने खिताब किया। तकरीब में ई पेंशन प्रोजेक्ट के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले AG पंजाब, PTIB और महकमा स्कूल्स के मुलाजमीन में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। जी हाँ, अब ऑनलाइन पेंशन का इस सिस्टम, जिसे ई पेंशन सिस्टम कहते हैं, उसका पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होते ही इसे पूरे पंजाब में अब लागू कर दिया जाएगा। इसका इब्तदा जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से किया जाएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जो है वो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी दुआओं का तालिब आपका अपना खान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच।